गोबर देखा ना, सारा दिन ही चक्कर काट काट पूरा गोबर को खाई कर देंगी ये। सारा दिन यहाँ मैं चक्कर काट करो, सारा दिन मोको चक्कर काटना पड़े, फिर थारा चक्कर में इधर से गोबर उठाऊ उधर से गोबर उठाऊ, आधो दिन तो मेरा गोबर उठावा में चल जाए, मेरे तो जिंदगी गोबर जैसी हो रही है। सारो काम पड़े अली तो मेरे बर्तन पड़े हैं, रोटी बनाऊंगी सब्जी बनाऊंगी, सासू ससुर तो वह कच्चू भी काम का हाथ न लगावे, मेरी जिंदगी तो बिल्कुल उन्हें नौकराड़ी समझ रखी हूँ मोको त्या घर की। देख ना महारानी किसी बैठी है कूलर का आ गए, अच्छो खुद ने तो मंगा लियो नया कूलर जो सारा दिन लेती रहे हवा, और हमने एक बार कुंडल काई मांग लिया, हमको आज तक कुंडल ना दिलाया ना, बेटा को काई घोड़ पा दियो जो पूरा बस में कर रखो है, तेरी तेरी बात माने सारी, मेरी भी बात ना माने। अरे तो मैं काई करूं नया कूलर को, पंखो खराब होगा जो सुबह ना करी मैंने तो मत लिया तो पड़े रंगा शाही लिया बिना। अरे जीजी मैं सक जानो क्यों मुंडो खुलवा रही, मेरो सारी सारी बात उनको पता है मोको तो। अब तो खूबिया कूलर की हवा खाली, अब जारो बर्तन ने भी साफ कर लियो, कहीं नहीं बैठी रहेंगी क्या, मैं खान तक काम करूं, मेरे तो सारे दिन डोलती डोलती का पैर दुखो लग जाए। करूं मैं जाऊं तो भाई काई करूं, या तो ना बैठ बजे जो एक कूलर लिया है जो हमारे यहाँ इतरो कड़ेस कर रखे, हम तो गर्मी में ही पड़े रहा है, यही के लगा दे सब चीज ले ले यार, का करूँ अब जो ना बैठवा दे। जी जी काई करवा में लग रही है मेरे समझ ना खा रही, ये बर्तन क्यों मांज रही है, अरे जीजी वो काई करवा में लग रही है जो तू बर्तन ने मांज रही है, बता तो सही मोए। अरे भूख है तो कूलरन की हवा में बैठी रहे, तो ना कूलर की मंगाए कूलर मंगा लियो, तू यहाँ बैठी बैठी हवा खा, बर्तन तो मांज ले चार कन, तू कछु भी ना करे यहाँ हवा में पड़ी रह दिन रात। भाई खरी कूलर भी ले रहे हैं, कूलर तो मैं ले रहा हूँ, वहाँ को काई दिक्कत है मेरे समझ ना खरी, तू तो चल जीजी छोड़ी है बर्तन नहीं है कम लेके चल। अरे अब इनको मांज ले भाई, जुबान ज्यादा ही चलवा लगी है जो कछु, तो चलो मैं बताऊंगा या को कूलर क्यों ले रहा है। जी जी तू यहाँ बैठ, अभी मैं जा रखू आसू, देखा काई करवा में लग रही है, वह को बिगर खिया थोड़ी दिखेगी, वह को मैंने इसे समझा ली, जब भी ना माने वा मुझे पता है सोगी होगी कम थोड़ी है, वो को तो आराम चाहिए जाए पूरा को पूरो, बाकी तो थोड़ी बहुत की भी कसर मार जाए। ठीक है तो भाई तो सही है, इतना समझा दीजिए सही, लड़ जाए मत। अरे जी जी तू इशा मना कर रहे ना, जब तो वह ज्यादा माता पे चढ़ गई, नहीं तो वो शुरू में आए ना जब बोल बना कर रही, वह अब जा देखू मैं भाई, तुम ज्यादा ही तो ढील दे दी भाई, ये और जाना काई करवा में लग रही है। अरे तो कुछ शर्म ना यार की, तो जो आज का नीचे फसारो मांडर सो रही है, थोड़ी बहुत तो शर्मा। मैं थक जाऊं सारे दिन काम करती करती, अब बस थोड़ी देर आराम कर रही। अरे तू यू बता, तूने काम कौन सो कर लियो, सारो काम तो जीजी करे, अभी भी मैं बर्तन मांझती देख रहा हूँ, बापड़ी को शर्म तो ना आती होगी, बर्तन मांझवा को टाइम तेरो है जीजी को है जो तू आज बर्तन मांझुआ वे, तो काई होगा बर्तन मांझ लिया तो मैं भी तो थक जाऊं सारा दिन। शर्म ना बिल्कुल भी, अब तो हमने वहां को काई भी कसर ना छोड़ रखी, वहां को तो कूलर भी आ रहा है, पंखा भी आ रहा है, बेड भी लिया रखो है, तो सारी चीज लिया रखो है, मुको तो एसी भी ना लगवाई हमने। और क्या तेरे तो छोटी छोटी बातों की कसर मार जाए, एक वो बापड़ी को एक कूलर काई लिया है जो मैं भी तेरे दुख हो रहे की। दुख की बात ना है क्या, इतना साल हो गए कहता कहता मैं कुंडल बनवा दो कुंडल बनवा दो कुंडल ना बनवा मैं बिल्कुल ना फेरा डोलू मैं। और क्या कुंडल ना बनवाए, सब चीज तो है तेरे खाने, टाइम सुई होगी सारा काम तो, या थोड़ी है कि एथलेटी में सिर सूख जाए, टाइम आएगा जब जार वे भी बन जाऊंगा, पर तू कम से कम मेरी जीजी की साल संभाल तो ढंग से रख बकर। मैं तो खूब अच्छी रखू थार जीजी की साल संभाल, थम तो थम ही ना रखी मेरी साल संभाल उल्टा। देख तुम उस जुबान मत लड़ा बकरे, और जीजू को काम तोड़ा बकरे,
सिखा दी होएगा तो वा नहीं बस सब जानू मैं वो सिखाया भाई। देख तू एकदम मुझे जुबान लड़ावा मत करे, ऐसे समझा दी तू मान जा नहीं वो फिर वो खावत है ना अब पिट तो जमाई और रोती लुगाई अच्छी ना लगे फिर मैं तो पीट दूंगा तो फिर तू रोती रहेगी। जा और बाहर काम कर ले या फसारो मत मार। ये रही पीछे पड़े रे बकरो मोको सात गड़ चाय तो मत तू जा थोड़ी बहुत देर मोको भी आराम कर लेवा दे यहां पे तेरो तेरो बाप आया थम करो यहां पे तो थम दो ना मां बेटा बैठ जाओ सो जाओ। तेरे बाप ने एक ये बेड़ी तो दिए और दिए का ही है मोको उषा भी जो पे भी खुद ही फसारो मांडर पड़ी जाएगी। अरे डॉकरी यहाँ था मैं एक बार तो सगड़ा ढूंढा ही मैं थम काई कर रही ना अब तो खूब फड़ा दिया ना थमने थारा बेटा को अब तो खोवा को सिखा दिया ना जाता ही मेरा झपट लगाया ना मेरे को किसी बारी मारी है थोड़ा याई चावे मैं रोती रू पिटती रू बस। अरे बेटा मैंने कब घेस को लड़ जो पीट जो मैंने तो मनाई करी भाई काई मत कीजिए दीजिए मत मैं मेरे सामने तो मीठी मीठी बोल रही नहीं मैं सक जा लू थमने सिखाया पार्टी थम थारा बेटा खिन तो काई खेवी मेरा खिने काई खेवी सासु थोड़ी थम तो जल्ला दी थम तो दो मुंडा की चाक लेंडी तुरंत बदल जावी डोकरी ओजू मत कह दीजिए मेरे बारे में कछु नहीं तो फिर तो मैं छोड़ूंगी ना घर में ना टिकवा दूंगी था मैं। डोकरी ने तो कहते ये नारा की अब मत कह दीजो जब देखा जब बनाएगी जाने कब जार मेरा पीछे कुछ खी भी ना आया सो और मैं नन्नू की पीट बाकी अच्छो मेरा तो अच्छा फूटे अच्छी बहू आई मेरा मैं कछु ना खो जब भी मेरे पास पड़ी रही। गर्मी देखा तो गर्मी इसी बारी पड़ रही है मेरे तो काम पे जावा को बिल्कुल भी मन ना करे पर काय करूं। हाँ तो जीजी भी ना दिख रही पता ना जीजी भी खंगाई देखा भीतर तो जार देखो देखा काय कर रही है खेलू काय कर रही है खेलू बिना जीजी बिना है जीजी गई तो गई खां पता ना खां तो गई खां खां ढूंढू वो जा या तू खां सो उतर रही है ऊपर सो मैं तो ऊपर ही मेरे काका से बात कर रही हालचाल पूछ रही बढ़िया तो है ने अब किसे राखी तो घर का। अरे तो रोजिना का ही हालचाल पूछे तू तो एक एक घंटा बात करे रोजिना कोई अच्छी बात थोड़ी है जो तू घंटा घंटा भर बात करती रहे घर कान के इनसु घर बिगड़े कर रिया कछु घर का काम है भी ध्यान दे ले कर देऊ तो और कुण करे मसला तू यहाँ का बारा में थोड़ी सोचा है तू तो तेरे पियर का बारा में सोचा है 24 घंटा वहीं की बात बात करवा में लगी रहेगी जब देखो जब ये फोन पे बैठी रहे हम तो तो काम जीजी खाए मुझे देखना रही हम तो जीजी जीजी के पीछे पड़े रहे करो कभी हमसे तो प्यार से बात कर ले तो सु कब ना करी तू इसी बारी कह डार बोला नहीं हो तो बता तो जब देखो जब गुस्सा में आती रहे लो मैं पता तो ना ही हरियो थार जीजी को मेरे पीछे पड़े रहे मां की अच्छी खोटो दिन आयो जीजी गई तो खा मेरे समझना खावे यार खा लग रही है जीजी बैसन में जब देखो जब ये काम करवा में लगी है बैसन में। अरे जीजी तो को मैंने इतने एक बार मना कर दी तू काम धंधा मत लगी रह कर जब भी तू जाएगी बैसन के यहाँ से खड़ी है तू कर कह रही है यहाँ काम ना है गोबर काट रही है उबर पर आत में पानी सुपाए। अरे तो जीजी तू वासु क्यों ना की काम की जो तू तू लगी रह कोई बात ना बेटा मैंने कर लिया तो कही है थोड़ा बहुत तो करना भी चाहे जी। अरे जीजी सब थोड़ा बहुत ही है वो कोई पूछ मत थोड़ी ले आए अपने चल तू तो घर। इनको रोटा कर कर दो इसे बारो काम करो जब भी नुखाया करे खाई है सगन को सारा दिन वो तो रोटी करवान में निकल जाए आधो सौ दिन तो या गर्मा में इनको रोटी खाना बना दो या डोकरी को तीन चार रोटी इनको खर्चो कचिया को दवाई गोली इनको खर्चो हमेशा तो बीमार पड़ी रहे सारा खर्चा हमारा ही जीव को दया है या भी तो नू ना खे ले डोकरी को जो कछु काम कर ले तो कछु खर्चा तो मैं तो वह हो जाए भरोता ही। अरे खेलू काई करवा में लग रही है तू अरे कम से कम रोटी तो टाइम से बना दे दे बकर ये रोटी इनको टाइम है कि 12 ही बजा दिया तू नाली रोटी बना ना दी वो जीजी भी बाबड़ी भूखी है और वाकू काम पर लगाया रखा जब देखो जब भी वाकी दवाई गोली चल रही तो पता तो ना है कि अरे तो मेरा काम फ्री होएगा जब तो रोटी बनाऊंगी थार मारे का सकसकाड़े बैठ जाऊंगा अगर डोकरी को दवाई लेनी है ना तो खुद बना खा लेगी तो रोटी ठीक है ना।
मैं तो मेरे हिसाब से बनाऊंगी, जब मैं फ्री होंगी जब ही रोटी बनाऊंगी। मुझसे काम करेगा, एक दो काम करे जे तुम्हारा ओज उसी का दे दीगा तुमको। अरे तू मान जा नहीं, ये बाटा का मारे तेरी टांट फोड़ दूंगा। मुझसे जुबान लड़ाई तो एक तो जीजू को टाइम से रोटी बना रहा थे। इतनी भी समझा दे आके ना लगे। मैं काका सुगुंगा तुम्हारा बुलार मानूंगी। हाँ बुला ला, बुला ला भाई, जो सो फैसला हो जाए। अभी रखे हमको एक मेरी माई यवा की सेवा ना कर सके तो टाइम से रोटी ना बना दे सके। कौन तू मैं तो एक आधा फालतू बोल भी नहीं तेरी। यहाँ से कोई काम की कह दो तो एक गोडाउन में पानी सो पड़ जाए। आपको इतनी बार समझा दी तो टाइम से काम कर ले। अगर नहीं एक ही डुक में तेरे पिलंग से तोड़ दूंगा मैं, किसी जगह मारूंगा जो बताता भी शर्मा आएगी। तू बोलती रहे जब देखो जब भी रोटी करना दे। जा तू देख मोटी नाक का ना दे। बेटा का मेरे घी में ही छील दूंगा, बक्कल उतार दूंगा तेरे। अब तो मेरे काका किन फोन कर कूदे भाई करे इनको फैसलो तो मेरे फोन होने। काका काका मैं कहवा कर रही ना तुमसो कि मुझको बहुत मारी बहुत टॉर्चर करी और तुम मेरे ऊपर हाथ भी उठा दियो। तुम थारी बेटी सु ना आमी के नहीं सु कहवा थारी बेटी को रोज ने मारी पीटी रे। मैं कब तक सहन करूंगी, एक तो डोकरी देके ना मरे भी तो ना सारा दिन वहां का काम करती रहू, ऊपर से वजह एक दो काम ही उठा दो जेका चक्कर में मेरे ऊपर आज हाथ उठा दो। बेटा को भिड़का रखे तरह तरह की बात जिस आज मेरे देपाले ने मेरा आज तक हाथ को लगायो। तुम आ जाओ काका कहीं फैसलो करी तो कर जाओ। देखो वो तो ये मार देगा नहीं कि नहीं सब पीट पीट कितनी सी जान है वो मैं चिन्नी सी जान है। मैंने तो आज ही बर्तन जमाए सागेटा बिखेर पटक दिया। रोजी ने थमको मैंने खूब देख लिया बे, आज तो मेरा बाप आएगा सारा दोनों माई बेटा ने मेरा जीव और राम कर रहा है। मैंने सारी सारी बात कह दी मेरे बाप से। अब देख जो देख सारा फैसलो करे वो रोज काम नहीं करी। थमने तो मेरा माँ तो खराब कर रहा है बिल्कुल भी, और मेरा बाप ने पूरा फैसलो कर जाएगा देख जो देख। जाओ बाहर कहीं होगा जी जी ना। अरे तो जीजी का ही होगा मोर बात तो बता। अच्छा अरे तू क्यों लड़ रही है जीजी हैं का ही बात होगी। खा लड़ रही मैं जीजी को थारी को थमने खा देख ली वो लड़ती। मैं तो उनसे यही कह रही जीजी ये काम हमेशा कर लेंगा या काम हमेशा कर लेंगा। तुम हमेशा ही शक करता रहेंगी और क्या शक करता रहेंगी। मोको तो लगे ना तू खेना रही होगी जीजी से ना। मैं कच्चो भी ना खेरी अजू ना तो मैं देख लूंगा ना खेरी जो तो टाइम बताएगा फिर मेरे का को आएगा आज। हाँ जी आगो तेरे काको मैं भी देख रहा हूँ तेरे काका आया बाद मैं भी इंतजार ही कर रहा हूँ तेरे काका को। ठीक अरे बेटा ले आई वाले तो काका आगो का थमी आगो। अरे काका रुको देख थमी। अरे क्यों रो दिया बेटे का है बात है। काका मुझको बहुत परेशान करी तुम चलो उनसे का जो कह दियो। काका मुझको दोनों माँ बेटा ने बहुत परेशान कर रखी है। कभी तो यूं कह रही तो तेरे घर कान के सुखाए बिना लाई तेरा तो भूखो नंगड़ बाप है कछु देवे भी को नहीं। अरे बेटा तो कड़े से मत करे अब तेरा बाप आगो अब मैं सब समझा दूंगा इनको ठीक है ना। चलो तो चलो काका। चल बेटा तुमने वाकई से परेशान कर रखी है। जब फोन आवे जब भी वह रोती रहे तो कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को ससुराल में दुखी देख सके। और तुम जब चाहो जब भी रखो तो खाए हाल खा दिया मेरी बेटी को तुमने। मेरी बेटी को मैंने इसे भेजी फूल और फूल से मुरझा गया आखो ना काई परेशान करिए आपू हमने तो का इतना गई है थार खाने कब कर दिया ना फोन भाई दुख की तरह रोज रोती होगी। हमको तो कुछ पता भी ना आया तो हम कब साहब फोन कर दिए थार खाने। हम तो कच्चे आप परेशान भी ना करा सब काम करती रहा ये थोड़ी ही है यार कुछ काम करे पूरा।
काम में करो या तो कोई रोटी टू कर ले घर का पोछा झाड़ा करे और काई करे। देख ले काका किसे झूठ बोल रही है या नाने आकर बेटा को खड़ा रखो है और बस वह भी यही बात कहे मैं तो मेरे वन हाथ भी उठायो कल तो है जो अब हाँ गए वा बोलाओ आपको इनको ही पता होगा मैं उसको कौन सा हाँ गए वा यही है तो इधर है। अरे बेटी तू तो बुलाओ आपको कहाँ है वा ठीक है का कब आऊँ बैठ जाओ कि परेशान हो रहे हैं। खूब सो लिया अब आगे मेरे पापा बुला रहे थे हमको बाहर चलो बाहर तेरे काको आगो आगो मेरे काको बुला रहे चलो अभी चलो अब दीजिए सही सही जवाब था चलो मैं भी यही बात को इंतजार कर रहे हो कि कब आएगो तेरे काको आजा चलो आगो तो आज ही हो जाएगा फैसलो बहुत परेशान करी तूने मेरी माई को। हाँ राम राम जी सब राम राम है तेरी क्यों परेशान कर रहा कि मेरी बेटी को अजी साहब तुमने तो याने की जो भी बात सारी सच मानी ने कछु हमारी भी तो बात सुनता तुम तो एक पक्ष में ही निर्णय करवागा या कोई न्याय की बात हो क्या जो बेटी ने झूठे ही फोन करे और बाप यहाँ आगो फैसलो करवा झूठे काई करे मैं सही बात बताई कौन सी सही बात बताई है तूने ये कोई अच्छी बात थोड़ी है साहब जो छोटी छोटी लड़ाई पे भी बाप को बुलाएगी अरे मेरी बेटी की तो सुनूंगा तेरी बात सुनूंगा मैं जो सारी गलती तेरी है अब ईशाई कह कह दी मैं कोई कुमाऊं ना है काई चक्कर है कोई मैं घर में ठालो बैठे रहूं काई चक्कर है मेरी माई बराबर को काम करे फिर भी यह कहना है कि मेरी माई को टाइम से रोटी बना दे दूं मैं अरे सारी गलती तेरी तेरी माई दोनों की गलती है तुम्हारी तो कहीं गलती है मुझे यूं तो बात बताओ और जब तुम ये सच्चाई देखेंगे ना और सच्चाई सुनेंगे सच्चाई को तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हारे पैर नीचे जमीन खिसक जाएगी ऐसी कौन सी सच्चाई है जो जमीन खिसक जाएगी सच्चाई तो वही है जो मेरी बेटी बता रही है तो ठीक है अब तुम सच्चाई देखवा और सुनवा तैयार हो जाओ या देखो ठीक है या देखो सच्चाई देखो तुम्हारी बेटी देख मेरी माई को कहे गड़ो बीच बीच पटक रही है बात है मैंने एक दिन चुपके से वीडियो बना लिया था उस समय तो मैंने इनको ये बात बताई नहीं थी मन की ये बात मैं जब ही बताऊंगा जिस दिन तुम आओगे ना तभी अरे बेटी तुम मत सुखी झूठ बोली बेटी का ससुराल में बाप शर्मिंदा हो तो कितनी बड़ी बात है अब कौन की गलती है अब गलती तो थारी बेटी की निकली ना साहब गलती आएगी है पूरी सुनता तो सरू हर बेटी का ही हाल करे जो बेटी बेटी को रट रहे बेटी की सांसा की देख ना ऐसे ऐसी मारिए लूकड़े फाड़ दिया देख लो साहब इसे से नियोज कर रही है थारी बेटी ओ शर्मिंदो कर दिया तूने तू मेरी काय की बेटी है और आज का बात तो तू सच बोलेगी ने तो बिना आया हूँ मैं मेरा पैर क्यों पकड़ा है मेरी जीजी का पकड़ने पैर जीजी तो जीजी को दिया है दुख तो तू ना अरे जीजी मैं तुमको आज के बाद दुख ना दू चाय बल्ला मेरा सारा कपड़ा ने नए नए फैर लू मैं फैर लूंगी पटियाने माफ कर दियो कर दे अब तो कर दी तेरी माफ थमकेंगी ना आज के बाद वही काम होगा थारी बात मानूंगी आप चाय पानी बना कर जा और दोबारा ऐसी गलती मत कर दियो देख लो साहब और समझा जाते हैं ठीक है।